क्या नन कंज्यूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होने वाली थी? और उससे पहले कौन सा मॉन्स्टर एक्चुअली सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए प्लान किया गया था? रियल लाइफ में क्या है वेलक की कहानी और वो कैसा दिखता था? इन दोनों ही मूवीज की शूटिंग आखिर असली चर्चों में क्यों नहीं हो पा रही थी? इन दोनों ही मूवीज को बनाने में कौन कौन से अजीब और भूतिया हादसे हुए थे? और आखिर वार्नर ब्रोस ने किस तरह का धोखा वेलक की एक्ट्रेस के साथ किया है? कंज्यूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का काम नन मूवी काफी अच्छे तरीके से कर रही है और टाइम टू टाइम हमें बहुत ही अच्छा खासा डर का डोज इसने दिया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मूवीज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्फेस्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नन मूवी को बनाने का प्लान एक्चुअली बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से आया था, जहां पर कंज्यूरिंग 2 के अंदर नन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस मूवी के रिलीज के जस्ट 5 दिन बाद ही पीटर सैफ्रन और जेम्स वॉन ने इसकी नई मूवी को अनाउंस कर दिया, जहां पर इस मूवी के इनिशियल स्क्रिप्ट को डेविस लेस्ली जॉनसन ने लिखा था और कॉरिन हार्डी को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुना गया। अब जैसा कि वेलक की पॉपुलैरिटी से कंज्यूरिंग सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नन की पूरी फ्रेंचाइजी क्रिएट हो चुकी है, इनिशियली मूवी के अंदर पहले नन का कोई नामो निशान होने ही वाला नहीं था और यहाँ पर पहले वेलक का डिजाइन एक विंग डिमोनिक फॉर्म में दिखाया जाता, बट यहाँ पर एड और लॉरेन वॉरन के कुछ रियल लाइफ डिमोनिक नन के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए मूवी के रीशूट्स के दौरान इस कैरेक्टर को चेंज किया गया, जहाँ पर इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए दोनों मेल और फीमेल एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, बट इस भयानक चेहरे के पीछे फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस बॉनी एरन्स हैं, जिन्होंने 2001 के डेविड लिंच के मडहोलैंड ड्राइव में भी काम किया था, जिसमें उनका जला हुआ चेहरा बहुत भयानक था। इस सीरीज के अंदर सिस्टर आइरीन के लिए तकरीबन 100 से भी ज्यादा एक्ट्रेसेस का ऑडिशन लिया गया था, बट फाइनली इस कैरेक्टर के लिए टेसा फार्मिगा को चुना गया, जो एक्चुअली वीरा फार्मिगा की सिस्टर हैं, जो कंज्यूरिंग यूनिवर्स के अंदर खुद लीड लॉरेन वॉरन का रोल प्ले करती हैं। लेकिन इनिशियली कॉरिन हार्डी इसी रिलेशन के चलते उन्हें इस मूवी के अंदर कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट अपेरेंटली जब उन्होंने उनका ऑडिशन टेप देखा तो उन्हें उनके ऑडिशन में बहुत ज्यादा दम दिखा, जिसके कारण इस कैरेक्टर को उन्हें ही दिया गया। इस मूवी की शूटिंग रोमानिया में हुई है, जिसके कारण यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम है कि रोमानिया में किसी प्रकार की शूटिंग आप चर्च के अंदर नहीं कर सकते, जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइनर जेनिफर स्पेंसर को बहुत सारे चर्च और आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन लेकर खुद ही उनकी फेक स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करना पड़ा था। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे सीन्स को पैलेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी शूट किया गया था, जिसके लिए यहाँ पर प्रोडक्शन को तकरीबन 5000 यूरोस पर आवर पे करने होते थे। साथ ही साथ रोमानिया के हिंडवारा के कॉर्बिन कासल, साथ ही साथ रोमानिया के ही सिगिसोरा और मोगोसिया में भी इस फिल्म की शूटिंग हुई है। इस मूवी के डरावने थीम्स को ध्यान में रखते हुए गुडलक के लिए यहाँ पर डायरेक्टर कॉरिन हार्डी ने रोमन कैथोलिक प्रीस्ट को फिल्मिंग के सेट्स पर बुलाया था, बट इन सारी चीजों के बावजूद भी रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंसेस इस मूवी के बिहाइंड द सीन हुए। एग्जाम्पल के रूप में मोगोसोसिया में कॉरिन हार्डी ने एक हैंड प्रिंट देखा था, जो उनके हिसाब से बेसिकली कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रिंट इससे पहले नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने सेट पर दो एंटिटीज को भी नोटिस किया था, जो उन्हें कॉरिडोर वाले सीन के दौरान देखने को मिले थे, जो उनके हिसाब से अचानक से उनके सामने से गायब हो गए थे। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कुछ डेड रोमानियन सोल्जर्स की आत्माएं हों। अब कैरेक्टर वेलक को भी रियल लाइफ की कई सारी किताबों से लिया गया है। वेलक का मेंशन एक्चुअली द लेसर की ऑफ सोलोमन किताब में हुआ है, जहां पर मेंशन किया गया है कि ये एक्चुअली एक डिमोनिक बीइंग है, जो बेसिकली विंग्स के साथ एक बच्चों की तरह दिखता है और यहां पर ये दो सर वाले ड्रैगन की सवारी करता है। ये किताब भी अपने आप में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल और हॉन्टिंग है, क्योंकि इस किताब के अंदर डीमोनोलॉजी और सुपर नेचुरल बींग से जुड़े हुए कई सारे मंत्र और स्पेल्स हैं। इसके अलावा जब अजीब इंसिडेंट्स की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर एक और अजीब इंसिडेंट प्रोडक्शन के साथ हुआ था, जहाँ पर जैसा कि मूवी की शूटिंग रोमानिया के कंट्री साइड में हो रही थी, एनिमल्स प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहे थे, जहाँ पर अपेरेंटली कॉर्बिन कार्सल में शूटिंग के दौरान एक पूरे के पूरे बकरियों के झुंड ने प्रोडक्शन के रास्ते को रोक दिया था, जिन्हें हटाने में बहुत टाइम लगा। और ऐसा ही सेम चीज कुछ समय बाद एक शीप के झुंड के साथ भी हुआ, जिसके चलते ट्रैफिक जैम में प्रोडक्शन को बहुत लंबा समय बिताना पड़ा था। इसके अलावा मूवी तो अपने आप में डिस्टर्बिंग थी ही, लेकिन इस मूवी का टीजर ट्रेलर ही इतना डिस्टर्बिंग था कि बहुत सारे लोगों को उसी से प्रॉब्लम होने लगी थी, जहां पर अगस्त 2018 में YouTube को इसके शॉर्ट टीजर ट्रेलर को एक्चुअली रिमूव करना पड़ा था,
क्योंकि यहाँ पर उसे एज अ नॉन स्किपेबल एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूट्यूब पर चलाया जा रहा था और इसमें बहुत सारे जंप स्केयर्स और लाउड नॉइजेस थी जिसे स्किप नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण यूट्यूब को इसको अपनी तरफ से हटाना पड़ा था। इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान 4 टूम्स बनाए गए थे और उन टूम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 डेथ मास्क बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर इन मास्क को बनाने का इंस्पिरेशन ज्यादा दूर से नहीं लिया गया है और यहाँ पर डायरेक्टर कॉरिन हार्डी, राइटर गैरी डॉबमैन, प्रोड्यूसर माइकल क्लेयर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मैक्सिम अलेक्जेंडर और फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हैरी बॉयड के चेहरों का इम्प्रेशन लिया गया था। इसके अलावा सेकंड मूवी के अंदर वेलक के साथ साथ सेंट लूसी की आंखों के बारे में बताया गया था, जो रियल लाइफ सेंट लूसी की कहानी पर बेस्ड थी, जो साल 283 से 304 तक जिंदा थीं। कहानी के हिसाब से रोमन एम्पायर में पैदा हुई सेंट लूसी एक्चुअली बहुत ही यंग एज में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थीं और अपने फेथ के लिए उन्होंने जिंदगी भर वर्जिन रहने का फैसला किया था, लेकिन इस बात को उन्होंने अपने माँ बाप से छुपाया था। और जब उनके माँ बाप ने एक आदमी के साथ उनकी शादी के लिए रिश्ता जोड़ना शुरू किया था, तब लूसी ने उस इंसान को रिजेक्ट कर दिया था। उस इंसान ने लूसी को गवर्नर के सामने एक्चुअली क्रिश्चियन घोषित कर दिया और उस जमाने के रोमन एम्परर डियोक्लेटियन ने उसे सजा देने की कोशिश की थी, बट माना जाता है कि उस जमाने में उसे कोई भी छू तक नहीं पाता था। अंत में ये भी माना जाता है कि लूसी की आंखों में तलवार घुसाकर उसे मारा गया था। वहीं कुछ क्लेम करते हैं कि लूसी की आंखों को एक्चुअली उसे जिंदा रहते ही निकाला गया था, वहीं पर कुछ मानते हैं कि उसने खुद ही अपनी आंखों को निकाला था। नन 2 के अंदर बहुत सारे CGI और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, बट इस मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रीपी इफेक्ट था वो नन का न्यूज स्टैंड वाला रिवील, जिसे सरप्राइजिंगली एक्चुअली प्रैक्टिकली फिल्माया गया था। एंड डेफिनेटली हवा के सही इस्तेमाल की वजह से ये सीक्वेंस पर्टिकुलरली काफी चैलेंजिंग था, जिसे मूवी के अंदर काफी अच्छे से पुल ऑफ किया गया। वहीं पर सेकंड मूवी की प्रोडक्शन 29 अप्रैल 2022 को शुरू हुई थी, जहां पर इसे 6 अक्टूबर से फ्रांस के अंदर शूट किया गया, जहां पर इसे फ्रांस के टेरास्कॉन के एक्स एन प्रोविंस और र्यू प्रोधोन में मौजूद कोविड डेस प्रीचर्स में फिल्माया गया था। इसे एक्चुअली 17th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन वहीं पर नन की एक्ट्रेस बॉरी एरन्स को इस फ्रेंचाइज से कुछ शिकायतें भी हैं, जहां पर उनके हिसाब से यहां पर वार्नर ब्रोस की तरफ से उनके मर्चेंडाइजिंग राइट्स को पूरी तरह से पे नहीं किया गया था और यहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें $71,500 ही पे किए गए थे, जिसके कारण उन्होंने वार्नर ब्रोस पे एक लॉ सूट क्लेम फाइल किया था। बात करें अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस की, तो एक्चुअली यहां पर पहली मूवी को $22 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, लेकिन अपने हॉरर फैक्ट्री की वजह से इस मूवी ने इस बजट पर $365 मिलियन कमाए, जिसने बेसिकली इसे एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी के रूप में सीमेंट किया। और वहीं पर सेकंड मूवी $38 मिलियन के बजट के साथ $258 मिलियन कमाने में अभी तक कामयाब रही है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या नन 3 आने वाली है, तो बेशक यहाँ पर पूरी उम्मीद है, क्योंकि सेकंड मूवी के डायरेक्टर माइकल केव्स कंजूरिंग फ्रेंचाइजी के अंदर बहुत सारी मूवीज एक्चुअली बना चुके हैं और उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर एक इंटरेस्ट हिंट किया है नन 3 और 2013 की कंजूरिंग को एक साथ जोड़ने का। बट डेफिनेटली यहाँ पर सेकंड मूवी की सक्सेस ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी थर्ड मूवी की क्रिएशन का। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप नन मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।